नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के 9वें सीजन में अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर लीग स्टेज में आयरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए को हराकर पहले ही सुपर हिट में क्वालिफाई कर चुकी थी। भले ही टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला कनाडा के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया हो, भारतीय टीम के अलावा सुपर हिट के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाई है, यानी कि टीम इंडिया इन दोनों ही टीमों से सुपर हिट में एक एक मुकाबला खेलेगी और कम से कम दो मुकाबले जीतकर टीम इंडिया अपनी जगह T20I वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगी, जिसके लिए भारतीय टीम ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि सुपर हिट के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को बुरी तरह से हराया और टीम इंडिया अपने सुपर एट के पहले मुकाबले शानदार जीत दर्ज की। अब उसका सामना बांग्लादेश की टीम से होगा, जिसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में चार भूखे शेरों को शामिल कर हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हुए इन बड़े बदलावों को देखकर बांग्लादेश की पूरी टीम ही यह मुकाबला शुरू होने से पहले लगभग अपनी हार मान चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किए गए चार धुरंधरों ने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो अब ऐसे में सुपर हिट के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 में कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव के साथ उतर सकते हैं, जिसे देख बांग्लादेशी टीम के पसीने छूटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया T20I फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम भी बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच सुपर 8 में हमको एक बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं T20I वर्ल्ड कप के सुपर 8 के राउंड में खेला जाने वाला भारत और बांग्लादेश का यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा ही सुपर हिट मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए T20I वर्ल्ड कप के मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम के पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए कैसी दिखाई दे सकती है टीम इंडिया की सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस सुपर हिट के मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 8 में खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 22 जून दिन शनिवार को एंटीगुआ के सर B1 रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव एनकाउंटर दोनों ही टीमों के बीच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी जिस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में बांग्लादेश को घुटनों पर लाने उतरने वाले हैं, उस जबरदस्त और घातक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने T20I वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों के जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीमें T20I वर्ल्ड कप में 4 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 4 के 4 मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए बांग्लादेश की टीम के ऊपर अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। वहीं पर बांग्लादेश की टीम को आज तक T20I वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के ऊपर जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं पर इस साल T20I वर्ल्ड कप के मुकाबले में खेले गए वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 60 रनों से रौंदा था। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम के ऊपर बेहद भारी नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस सुपर हिट के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले सलामी बल्लेबाजी की बात करें, तो टीम इंडिया सुपर 8 के मुकाबलों में बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ भारतीय पारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा को हम सब पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आ सकते हैं।
अब तक लीग स्टेज में एक भी मुकाबला न खेलने वाले यशस्वी जायसवाल के खेलने से टीम इंडिया की बल्लेबाजी बेहद मजबूत नजर आएगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑनऑर्डर के रन मशीन विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव की शुरुआत भी इस वर्ल्ड कप में बेहद धीमे तरीके से हुई थी, लेकिन यूएसए के खिलाफ उनकी खेली गई 50 रनों की मैच जिताऊ पारी की वजह से सूर्य कुमार यादव भी अब बेहतरीन फॉर्म में लौट चुके हैं। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज अर्षभ पंत खेलते नजर आएंगे। अर्षभ पंत इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज रहे हैं जिनके बल्ले से T20I मुकाबलों के लीग स्टेज में हर टीमों के खिलाफ रनों की बारिश हमको देखने को मिला है। नंबर 6 पर टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या खेलते नजर आएंगे। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक और खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह की वापसी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब तक बतौर फिनिशर बल्लेबाज शिवम दुबे को हमने लीग मुकाबलों में खेलते देखा था, लेकिन सुपर 8 के मुकाबलों में रिंकू सिंह की वापसी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में बेहद गहराई आ जाएगी। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलते दिख सकते हैं। अक्षर पटेल ने इस T20I वर्ल्ड कप में अपने खेल से काफी ज्यादा हर किसी को प्रभावित किया है, जहां पर बल्ले और गेंद दोनों से ही अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी धमाल मचाया है। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर भारतीय टीम के सबसे होनहार और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के दूसरे तेज गेंदबाज अर्षदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्षदीप सिंह ने भी इस T20I वर्ल्ड कप में अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है, जहां पर लीग स्टेज में 7 विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए एक सफल गेंदबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। हालांकि मोहम्मद सिराज ने इस वर्ल्ड कप में महज 1 विकेट लिया है, लेकिन रनों के लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद सिराज ने बल्लेबाजों को बांध कर रखते हुए है काफी कंजूसी से गेंदबाजी की है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ सुपर हिट के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हरा सकती है या नहीं, या फिर बांग्लादेश की टीम पड़ भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।